उत्तर प्रदेश पुलिस अपराधियों के लिए काल बनी हुई है और प्रदेश में पुलिस का ऑपरेशन क्लीन लगातार जारी है। ताजा मामला मुजफ्फरनगर का है, जहां देर रात हुई मुठभेड़ में एक बदमाश घायल हो गया। गिरफ्तार होने के बाद घायल बदमाश हाथ जोड़कर जिंदगी की भीख मांगता हुआ नजर आया और अपराध न करने की कसम खाई। नहीं तो आज के पहले इंतजार कर रहे थे क्या काटने का? अब से कोई भी गुनाह नहीं करूंगा। नहीं, तुम्हारे खिलाफ कितने मुकदमे पता है? हर बार एक मुझे माफ कर दे। अरे मार दिए जाओ तुम मानोगे? मुझे माफ कर दे। चलो इशारे गाड़ी वाले ले चलो। दरअसल देर रात बुढ़ाना थाना क्षेत्र के मंदवाड़ा गांव के पास पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया हुआ था। इस दौरान शक होने पर बाइक सवार युवक को पुलिस ने जब रुकने का इशारा किया तो युवक ने पुलिस को देखकर भागने की कोशिश की। जैसे ही पुलिस ने पीछा किया तो पुलिस पार्टी पर युवक ने फायर कर दिया, जिसके बाद पुलिस की तरफ से भी जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें बदमाश घायल हो गया। थाना बढ़ाना पुलिस की चौकी इंचार्ज भाई वाला गढ़ी और कस्बा चौकी इंचार्ज द्वारा मंदवाड़ा चौराहे पे चेकिंग की जा रही थी और चेकिंग करते वक्त एक ग्राउंड स्कूल की तरफ से एक व्यक्ति अपनी CD-100 मोटरसाइकिल से आया और पुलिस वालों को देख करके वो ठिटका। पुलिस वालों ने उसको रोकना चाहा तो उसने फायरिंग की और जवाबी फायरिंग में आत्मरक्षार्थ उसके दो पैर में गोली लगी है। उसको घायल अवस्था में CSC हॉस्पिटल बुढ़ाना भेज दिया गया है। पूछताछ पर मालूम चला है कि वो समरेज सनोप शरीफ जो प्रियावली नगला का रहने वाला है। विधिक आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। सर क्या क्या बरामद हुआ है, क्या कुछ आपराधिक इतिहास है इसका? उसको CD-100 मोटरसाइकिल बरामद हुई है, बिगर नंबर प्लेट की, एक तमंचा 315 बोर, दो जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस बरामद हुआ है और उसमें जुलाई में गोकशी में बांछित चल रहा था और पुलिस मुठभेड़ में भी बांछित चल रहा था और कई उसके पास दर्जनों भी मुकदमे में बांछित है। फिलहाल घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जांच में सामने आया है कि गिरफ्तार बदमाश पर एक दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने बदमाश के पास से एक तमंचे के साथ 4 कारतूस और एक बाइक बरामद की है। पंजाब केसरी टीवी के लिए मुजफ्फरनगर से अमित कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।